हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी ये देखिए, यहाँ शिवी हो रही है रेडी। शिवी कहाँ जा रहे हो? घूमी। तो गाइस आज हम निकल गए हैं कहीं ट्रिप पे, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। चलो जल्दी, यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। इधर सामने है ढाबा, परांठे ऑर्डर करें, पहले खाना खाते हैं, फिर आपको स्टोरी बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। शिवी को घर से ऐसे उठा लाए थे हम, अब इसको रेडी कर रहे हैं। सुबह हम जल्दी आए थे। हाँ, इसको गर्म कपड़े पहनाए थे, मतलब इसको अब पतले वाले पहना दिए। इसको गर्म कपड़ों से ना फिंसी आ जाती है, धागा घुस जाता है। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, फटाफट ब्रेकफास्ट किया, तो वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जो है ना घर से लेट हो रहे थे, फटाफट निकले। और इधर शिवी और कुकू कर रहे हैं एंजॉय। तो हमने जो है परांठा खाया और साथ में क्या था, चाय। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग जा रहे हैं लुधियाना, और लुधियाना क्यों जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैंने रूफ टॉप टेंट हटा दिया है। और कुछ पिछली कुछ कैंपिंग में आपने देखा होगा कि हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ऑनिंग की, मतलब पीछे हम टार्प लगाते थे तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी लगाने में, ये वो। तो आज जो है गाड़ी के ऊपर लगने वाली है ऑनिंग परमानेंट, तो फिर जैसे जहाँ भी कैंपिंग करेंगे तो फटाफट ऑनिंग खोली और अपना 270 ऑनिंग लगा रहे हैं ताकि पीछे जहाँ खाना बनाते हैं वो भी कवर हो जाए और साइडें भी कवर हो जाए, तो मज़ा आएगा। क्यों? हाँ, नहीं तो हमें टार्ट लगानी पड़ती थी, उसका थोड़ा और था। कुकू और शिवी साथ में क्यों है, इसका रीजन भी यही है कि हम लुधियाना से डायरेक्ट कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, तो वो आपको बताते हैं वीडियो के एंड होते होते। हाँ। तो चलो यहाँ से चलते हैं। अभी हम हिमाचल में ही है, पंजाब अभी एंटर किया नहीं है। और ये वाला इलाका मुझे वैसे ज्यादा पसंद है नहीं, बड़ा बंजर सा इलाका है, लेकिन आजकल देखो ग्रीनरी में ये भी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो आपको भी दिखाते हैं और चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पंजाब में, मतलब पंजाब में नहीं पहुंचे, एंटर हो चुके हैं। हाँ, तो पहुंच गए ना हिमाचल छोड़ के। फटाफट कैमरा उठाया मैंने उतने में, यार वो बोर्ड जो लगा था वेलकम टू पंजाब वो निकल गया। और सही है, चल पड़े हैं, मतलब पंजाब में एंटर हो गए हैं और बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं लुधियाना, वहाँ पर जाके अपना काम करवाएंगे और फिर भाई आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट लुधियाना से ही। तेरे को कैसा लगा एरिया? अच्छा लगा मेरे को पंजाब का। पंजाब तो अभी एंट्री हुआ है, पता लगेगा कैसा है। हाँ, अभी तो हिमाचल और पंजाब में फर्क नजर नहीं आता है क्योंकि कांगड़ा पूरा का पूरा, मतलब नीचे वाला जो कांगड़ा है ऐसा ही है। और अब थोड़ी देर बाद थोड़ा हम नीचे पहुंचेंगे, फिर जो है ये पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और फिर प्लेन आ जाएगा बिल्कुल। रोड में खड्डे हैं इसमें, और बाइक वाले भैया हेलमेट पहन रहे, खोल रहे, मजे में है पूरे। सर अभी लग गया है जाम, लेकिन आगे बाइक वाले फिर भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, नीचे से घुस जाते हैं, यहाँ पे चलता है ऐसा। इसने पहली बार देखा गाइस, इसलिए इसको अजीब लग रहा है। पंजाब में जब बंद किया है तो ट्रेन आ रही आएगी, तो फिर क्या आई है ना, देखो रेलवे फाटक है यहाँ पे, तो ये आ चुकी है ट्रेन, वेरी वेरी स्लो भारतीय रेल, क्योंकि वहाँ पे रुकती है शायद नहीं। हाँ, वो देखिए पीछे बंदा खड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ पे अब देखना क्या होगा, धड़ धड़ सारे दौड़ेंगे, कैसे निकलेंगे सब। निकल जाते हैं यहाँ सब, वही जाम, फुल जाम हो गया है। एक तो आज मैं आया भी अलग से रोड से हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब गलियों से घुस गया हूँ, ये गूगल की वजह से। कितनी गालियाँ दें यार इस गूगल को, समझ नहीं आती है। गूगल तो शॉर्टकट बताता है, शॉर्टकट यार, लोग केले सब्जी खरीदने के लिए गए वहाँ फंस गए थे हम बीच। अब देखना, अभी हम लोग पहुंच गए फोर लेन में, मोगा से आगे लुधियाना की तरफ जा रहे हैं और बोर हो गए यार यहाँ गाड़ी चला चला के सच में, है ना। शिवी पता नहीं कितना सो सो के उठ गई है अब, और मुझे घूर रही है कि चश्मा पहन के पापा कर क्या रहा है, ज़्यादा बोल रहा है। तो यार थोड़ी देर में पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या काम करवाना है। फाइनली पहुँच गए भाई पंजाब की गलियों में। अरे यार इधर तो ईट की भट्टी खुल गई है, कहाँ गया, पहुँच गए। सर अभी हम लोग पहुँच गए हैं ट्रेवलर्स होम, और अभी बैठे हुए हैं इधर, और देखिए भाई ध्रुव भाई को क्या काम दे दिया है। खाना आ चुका है ध्रुव भाई ने, खाना तो होता रहेगा जी, खाना पहले, खाना मंगा दिया था भाई ने, चाय पी, खाना आ गया है। और यहाँ पर शिवी और कुकू बैठ के कर रहे हैं इंजॉय, मजे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एसी चला हुआ है बढ़िया मस्त, बाहर गए थे तो गर्मी है। हाँ, वही तो उल्टा होता है फिर।
चलो खाना वगैरह खाते हैं, बाकी काम अभी होगा थोड़ी देर में, क्रॉस वगैरह बनाने हैं, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद होगी फिटिंग। दिखाते हैं आपको कैसी लगेगी भाई अपनी गाड़ी ऑनिंग लगने के बाद, मस्त लगने वाली है मुझे लग रहा है। तो भाई लग गई हमारी, क्या बोलते हैं इनको, बार, क्रॉस बार, क्रॉस बार लग गए, लेकिन गाड़ी में ऑलरेडी लगे रहते हैं, रूफ रेल होती है, हाँ सही, ये मेरे ख्याल से रूफ रेल ना फंक्शनल नहीं है मेरे को लगता है यार। मैं सही बात बोलूं भैया, महिंद्रा की जो गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो होगी, स्कॉर्पियो एन होगी, स्कॉर्पियो क्लासिक हो गई, तो उनपे उनके रूफ रेल पे हम भरोसा नहीं करते। अच्छा, मेरे डस्टर के बहुत मजबूत है, मैं 50 रुपए के उस पे नहीं भरोसा करता। अच्छा, ये मुझे भी लगता है हिलते हैं थोड़े थोड़े ना, पर पता नहीं लगता मेरे फंक्शनल लगवाने आपने, तो क्रॉस बार कभी भी इस पे मत लगाओ, कंपनी लगा देती है कहीं इस पे, क्या भरोसा साला निकल के आगे चला गया तो आगे तो किसी के नहीं, छोटा मोटा सामान तो आ जाएगा, लेकिन टेंट वगैरह भारी चीज है ना। तो लग गया काफी टाइम, और अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा अपना। आज लगने वाली है भाई ऑनिंग, और मजा आएगा, मतलब 270 ऑनिंग लगा रहे हैं, ये साइड भी कवर होगी और बैक साइड कवर होगी, है ना, कवर हो जाएगी, ये भी कवर, हाँ सही है भाई, मजा आने वाला है। तो ये हो रही है यहाँ पे फिटिंग अपने ऑनिंग की, और यहाँ पे शिवी बोल, अब बोल बोल गद्दी में है, कैमरा ऑन होते ही चुप हो जाती है, बहुत चला गए आज भाई ने पूरा जोर लगा दिया है लेकिन बहुत टाइम लग गया है इस काम को, कोई बात नहीं, मैं उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुराने वाले क्रॉस बार लेके आऊँगा, और मैं लेके नहीं आया, इस चक्कर में ज़्यादा गड़बड़ हुई है, दोबारा सेट करना पड़ा पूरा। ये बन गई भाई ऑनिंग, मस्त लग रही है, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको साइड से, ऊपर से देख के पता चलेगा। बाकी ये देखो इसकी लेंथ है 7 फीट, ये मैं ढंग से जब कैंपिंग करेंगे तब बताऊँगा आपको, वैसे ये जब बंद रहती है तब 6 फीट होती है, और इसमें ना एक्सटेंड करने के लिए दिया गया है स्पेशल, ये यहाँ पे एक्सटेंडर दिया है, इसको एक्सटेंड करके हम 7-7.5 फीट कर सकते हैं। और ये आगे पोल, ये पोल लगा के, और इसके ऊपर दिया हुआ है ये, यहाँ पर रस्सी बांध के नीचे गाड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा हवा हुआ तूफान हो तो, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। सही है भाई, मजा आ गया आपकी डिक्की भी आराम से खुल गई, हाँ अब खोलना जरा भाई, ये अब आराम से खाना बना, बिल्कुल फुल खोलो, चाबी इसी के सामने, हाँ यहाँ पे आपकी खुल गई, बिल्कुल भाई परफेक्ट। ऐसे पूरा अगर बाय चांस बारिश हो भी रही है तो पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, ये चीज ऐसे ऊपर हो जाती है, हाँ सही है भाई, यहाँ से पानी सारा स्लाइड हो जाता नीचे, ठीक है। तो यार काम हो गया डन, अब बंद करें इसको, है ना, ठीक है चलो इसको करते हैं बंद भाई, बढ़िया हो गया काम आज, भाई ने पूरा जोर लगा दिया यार, लेकिन चलो हो गया काम, है ना, सही हो गया। ओ गाइस एक और चीज, ये सारी एसएस की है, कोई रश वगैरह को लग नहीं सकती, क्योंकि सारा टाइम मॉर्निंग में तो बाहर है ना, हाँ सही बात, हाँ जी, स्टेनलेस स्टील का यही फायदा है। तो ये पोल भी उसी में जाएंगे ना, हाँ जी पोल भी, मतलब ये पूरी पैक हो जाएगी, अब कोई टेंशन नहीं है, चलो भाई। तो ऑनिंग अपनी लग गई थी और ट्रायल भी कर लिया हमने, और अब हो रही है क्लोजिंग, क्लोज करना देखते हैं किसको कैसे बंद होगी ये, बाकी यहाँ से चलेंगे और फिर अब आगे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ दिखाएंगे आपको भी कैसी लग रही है, ट्रिप में दिखाएंगे कि क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका मतलब, क्यों हमने ये लगवाई, मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ऐसे यार ऑनिंग हमारे इस गाड़ी के लिए। तो यार लग गई ऑनिंग, ऐसे अकेली तो अजीब सी लग रही है, टेंट के साथ मस्त लगती है, लेकिन ठीक है गाड़ी के अंदर अंदर है, शीशे से अंदर ये अब दिखेगी नहीं ढंग से, फिर दिखाएंगे आपको बाद में, अभी साइड लुक तो बहुत तगड़ा रहा है। तो गाइस काम हो चुका है, और ध्रुव भाई को बोल रहे भाई भाई ऑन कैमरा, ठीक है सर, बढ़िया काम किया, मजा आया, तो ठीक है भैया, ठीक है भाई, मिलते हैं ना, और प्राइस तो बता दो जनता को इसका, पहले से 30,000 हमारी दोनों जो ऑनिंग है उनका गाइस प्राइस 30,000 है, सेम ऑनिंग का, हाँ जी, इंक्लूडिंग ही फिटिंग्स है, इंक्लूडिंग टेलीस्कोपिक पोल जो रहते हैं, विदाउट डिस्काउंट या डिस्काउंट के साथ ही है ये 30,000 इसमें अपना वो है गाइस, बाकी आपके ऊपर है, आके आप जितना और आपकी फिटिंग्स भी इसमें इंक्लूड है, क्रॉस बार जो साथ में लगा के देंगे, चलो ठीक है भाई, है ना, ठीक है भैया, ओके बाय बाय, मिलेंगे फिर, है ना, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो गाइस निकल रहे हैं ट्रैवलर्स होम से, और रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो चलो भाई, ठीक है भैया, रात हो चुकी है अभी, अभी अभी निकले यहाँ से, और सुबह बनाएंगे वीडियो, जहाँ भी पहुँचे होंगे जो भी होगा आपको बताएंगे सुबह, तो
थोड़ी देर में हम कहीं रुकने वाले हैं, सारा अपडेट सुबह देंगे गाइस। अब गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी कुकू रेडी है और मैं भी रेडी हूँ और शिवी भी रेडी है। हाँ, शिवी शिवी भी रेडी है। तो हम लोग रात को रुके थे सागर भाई के घर और अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, पैकिंग वगैरह हमारी हो रही है और यहाँ से निकल रहे हैं हम मोगा से सीधा जम्मू। और कुकू का देखो नया टॉप, क्या हीरोइन बन रही है अपने आप। और इसका फैशन देखो बालों का, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, चेंज करना था। हाँ, चेंज करना था ये। हेलो, तो गाइज निकल चुके हैं हम ट्रिप पे और सागर भाई और हम, मतलब सब दोनों गाड़ियाँ रेडी है अपनी, इधर डीजल भरा रहे हैं, ये देखिए भाई फुल रेडी फुल रेडी। तो इनके घर के पास ही ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भरवा रहे हैं, एचपी का है ज़्यादा, अगर मैं वैसे भी एचपी से डलाता हूँ। तो भाई गाड़ियाँ रेडी है एकदम मस्त, चलो डीजल भरते हैं, बताते हैं कितने का आया फिर चलते हैं। तो डीजल टैंक हो गया फुल, 3440 रुपए का डीजल आ गया भाई, खर्चा साथ के साथ नोट करते हैं हम। पिछले 18 दिन में हमने जो कैंपिंग करी थी ना, उसमें हमने 20-22 हज़ार खर्च कर दिया था। वो तो हमने शॉपिंग वगैरह बहुत कर ली थी और कुछ सामान वगैरह लेने थे, उस चक्कर में हो गया था, अदरवाइज़ तो अब कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि हमारा सामान तो हमने ले ही लिए काफ़ी सारे, तो अब हम खर्चे जो है कम कर सकें। मतलब एक ट्रिप में महीने में अब मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 10-15 हज़ार से ज़्यादा ना बढ़े खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार, ताकि कुछ सेविंग भी हो सके भाई। हम चले हैं इस वक्त 6 लेन हाईवे में और पंजाब के नज़ारे देखो आप, गेहूँ कट रही है, कहीं कट चुकी है। मैंने तो सुना है पंजाब के बारे में, आज पहली बार देख रही हूँ, मतलब कल भी देखा है। मस्त है ना। हाँ। आज फ्रेश फीलिंग आ रही है ना, हम डायरेक्ट यहीं से चले हैं, कल हम घर से आए थे तो पहले ही खज्जल हो जाते अपने ट्रैफिक में, खज्जल हो गए थे बहुत ज्यादा, और अभी हम फ्रेश निकले अंदर से, अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ घर में भी एसी चलते हैं तो एसी से निकले, एसी में बैठ के डायरेक्ट गाड़ी में, तो मजा आ रहा है। और शिवी कर रही है एंजॉय मस्त, और आवाज आ रही होगी आपको सीटियों की चूं करके, वो आ रही है ऊपर रूफ रेल से, क्योंकि सिर्फ ऑनिंग लगी है, बाकी रूफ रेल खाली है, तो उस पर हवा टकरा के आवाज आ रही है। तो कोई ना, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगेगा अभी, तो फिर वो आवाज़ें अपने आप बंद हो जाती है, जैसे टेंट वगैरह लगता है या बॉक्स लगाएंगे तो वो आवाज़ ये सिटी वाली कम हो जाएगी। और वैसे ना अपनी गाड़ी 80-100 पे कभी चलती नहीं हिमाचल पे, रेयरली कहीं चलती है, तो 40-50 की स्पीड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर, ना माइलेज पे ना अपना स्पीड पे, किसी चीज़ पे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है भाई, जो हाईवे में ज़्यादा चलता है ना उनको फ़र्क पड़ेगा। अब सागर भाई की गाड़ी चल रही है आगे, तो उसका जो टेंट है वो थोड़ा सा बैलून की तरह फूल रहा है, 10x का कमाल भाई। सीधा यहाँ से जा रहे हैं हम जम्मू, और जम्मू के लिए आप देख लो भाई हाईवे कैसा है, मजा आएगा, पहली बार इतना लंबा ड्राइव करेंगे हाईवे में, है ना। हाँ। सही है। वैसे पंजाब ज्यादा सुंदर तब लगता है जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है। हाँ हाँ, तब आता मज़ा, लेकिन ठीक है, ये वाला भी मैंने पहली बार देखा है ऐसा गेहूँ कटती हुई। तो यार अब जो है दिख रहा है आसमान थोड़ा थोड़ा, सामने आसमान तो मतलब दिख ही रहा था, बादल और आसमान में फ़र्क लग रहा है कि हाँ नीला और वाइट है ना। हाँ। पहले क्या हो रहा था, पहले तो पूरा वाइट सा स्मोकी सा दिख रहा था, और बस अपने से इधर उधर थोड़ा सा दिख रहा था, मतलब एरिया है कैसे गोल सा, तो पंजाब वालों को पता ही होगा, पंजाब दिल्ली वालों को हरियाणा वालों को कि कैसा दिखता है, और हमें हिमाचल वालों को बड़ी ये होती है कि यार इतना ही, हाँ अजीब सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। हाँ, अब सामने बादल दिखना शुरू हो गए और मेरे ख्याल से हम पठानकोट पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी देर में हमें माउंटेन्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही माउंटेन दिखना शुरू होंगे तब आपको दिखाते हैं। बाकी यार रीज़न तो यही है देखो, फैक्ट्रियाँ गाड़ियाँ क्या कर सकते हैं, जो भी है सही है, कुछ नहीं बोल सकते गाइस, लेकिन हाँ, और हमारे लिए तो नया एक्सपीरियंस है, मतलब मज़ा आ रहा है हमें तो देख के। फाइनली हम एंटर हो गए जम्मू वाले हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44 में, और भाई फीलिंग ही बदल चुकी है एकदम, वो होता ना फील पहाड़ों वाला, ग्रीनरी वगैरह एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी। आप बताइए अभी अभी तो आप वीडियो देख रहे थे थोड़ी देर पहले, आपको कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है नज़ारा बाहर का, तो भाई मज़ा आने वाला है अब। और अब इस नेशनल हाईवे 44 में जो है नज़ारे भी बहुत सुंदर है, तो बने रहिए। और आज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैंप करेंगे या क्या करेंगे, वो भी आपको मिलेगा इसी ब्लॉग में देखने को, तो गाइज बने रहिए। अभी हम पहुँच गए हैं जम्मू के आसपास बिल्कुल, और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत अलग है। क्या हो गया शिवी, शिवी थक चुकी है, शिवी भी ड्राइव करके थक गई आज,
लेकिन शिवी ने खूब मस्ती की, नींद ली और रात को मुझे लगता नहीं आज सोने देगी ये। यार यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन और एकदम मस्त, सामने पहाड़ भी दिख रहे थे। अभी तो इधर साइड तो है नहीं, मौसम शायद ख़राब हो गया आगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। बस यार बारिश बर्फ़ ना हो दोबारा से, बस वही टेंशन है। पहुंच गए जम्मू भाई, कितना मस्त लग रहा है भाई, भाई मस्त यार, ऐसा लग रहा है फॉरेन वाली फील आ रही है कुछ। पूल की साइड में जो है गमले लगाए हुए हैं। शिवी बोल रही मैंने भागना खेलना, कोई नहीं बेटा पहुंचने वाले हैं अभी, मस्ती करेंगे फिर, है ना शिवी। बहुत सुंदर है यार जम्मू शहर, तो मेरे को लगा नहीं था इतना सुंदर होगा, क्योंकि शहर के अंदर हम आए नहीं है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू, जहां पे रुकना था वहां पहुंच गए हैं। और कहां है भाई ये देखिए, गाड़ी देख के आपको हो रहा होगा अंदाज़ा, तो ये है गाड़ी पहाड़ी परिंदों की। तो आपको मिलाते हैं थोड़ी देर में उनसे, हमें पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन बैठ रहे थे रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि यार यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर बैठे हुए थे एसी में। और यहाँ भी वही पंजाब वाली फीलिंग आ रही है, गर्मी भी वैसी है, बिल्डिंग्स भी वैसी है, लेकिन भाई गाड़ी बनाई भाई ने मस्त। सुबह दिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी तो मतलब लाइट नहीं है, अंधेरा हो चुका है, अभी हो ही रहा है, 7:30 हो गए शाम के। बाकी बहुत मस्त गाड़ी बनाई भाई ने। और ये भाई के पास डॉग्स हैं इधर, ये है भाई। और भाई वैसे हम काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन ना आपको मिला लेते हैं भाई। और ये आंटी जी, और ये कौन है भाई? ये शुभम है, उनके भाई। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और भाभी जी कहाँ गए? किचन में। हेलो भाभी जी, अरे चाय बन गई। चलो फर्स्ट टाइम जम्मू में भाई पहुंच चुके हैं, तो अब रूम में लेके चलते हैं आपको, रूम में देखते हैं कौन कौन है मेहमान आए हुए हैं। रुकना इसको, ये यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी है, इससे मिलाएंगे आपको फिर बाद में। हिप्पी नाम है ना, नाम बड़ा मस्त है भाई इसका। बहुत शैतान है ये, प्यार करता है लेकिन सारे अंदर में। हाँ मेरे को क्यों बाहर रखा है ना। और ये देखो इधर शिवी, शिवी शिवी क्या हो रहा है? और भानु और कुक्कू तो भाई मजे से बैठ गई है मस्त। चाय आ गई, चाय पियो। तो यार ये देखिए यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है, और यहाँ पर आ चुके हैं पारुल भाई भी। और भाई पारुल भाई से ना मिले। बहुत टेस्टी राजमा, मजा आ गया। किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। वो देखो देखो वहाँ वापस रुक गई। मजा आ गया। यहाँ पे एक और ड्रेस आ चुकी है शिवी के लिए, पर भाभी बोल रही है मुझे ड्रेस की अनफोल्डिंग दिखानी थी। गिफ्ट की अनफोल्डिंग, नया वर्ड था ये, बड़ा है ना। पारुल भाई सबके लिए एक कछुआ लेके आए हैं भाई, बोला गाड़ी छोड़ो कछुए पे जाओ कैंपिंग करने। है मस्त यार, है ना मस्त एकदम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो रात से सीधे सुबह हो गई है, यहीं बैठ के खाना खा रहे थे और अब यहीं बैठ के रेडी हो रहे हैं। और ये देखो आप, शिवी ने पूरा तहस नहस कर दिया है, और सब रेडी हो चुके हैं, बस कुकू रह गया। क्या देखो बिंदी, गाड़ियां हो चुकी है रेडी। एक्चुअली भाई की गाड़ी तो ऑलरेडी रेडी खड़ी है, मतलब हम सबकी रेडी खड़ी है, बस जो जो सामान लेके आए थे वो रख रहे हैं दोबारा से गाड़ी में। तो सिलेंडर भरने को था, वो सिलेंडर मैंने भरवा दिया है, अभी गए थे हम सुबह सुबह मार्केट में, तो सिलेंडर भरा दिया। और मैट्रेस लेनी थी क्योंकि ग्राउंड कैंपिंग करनी है, वो भी ले ली है। तो सारा सामान अपना इधर पड़ा है, इसमें 800 में पड़ा है। अभी हम सुबह सुबह गए थे बाज़ार में, यार शहर में चलाने के लिए ये गाड़ी बहुत मस्त है। जो भाई ने सुबह सुबह भगाई गाड़ी, सामान ये रहा देखो, मैट्रेस और सिलेंडर पीछे है, वो निकालेंगे डालेंगे। हे कहाँ जा रहा है तू? आ जा आजा 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 आजा, कम 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 आजा हिप्पी आजा। ये मैं बाहर आया, ये भी बाहर आ गया, तो निकलते भरते सामान बाहर। और आप कमेंट करके बताइए भाई गाड़ी कैसी लग रही है, एकदम जहर लग रही है गाड़ी, मस्त। तो यार आ गई है पहाड़ी परिंदों की गाड़ी, और ये अपनी गाड़ी रेडी, और ये सागर भाई की गाड़ी भी रेडी। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि ये अपना घर से निकल के ऑनिंग लगाने का और सारा सफ़र जो भी देखा होगा आपने, तो
तो ये पूरा था इस वीडियो में। अब यहाँ से हम करेंगे प्रॉपर ट्रैवलिंग, फुल मस्त वाली वीडियोस आएंगे अब कैंपिंग वाली, तो आपको देखने को मिलेगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं वो भी पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।